यह है राजशमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे एक बात बताओ कि अब इसके ज्यादा तरीके तो नहीं है कि आप कैसे बच सकते हो, बट द बेटर वे वुड बी कि आप पहले ही रेड फ्लैग्स देखो, राइट? तो लड़कियों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? जो डेटिंग ऐप पे जो स्कैम्स हो रहे हैं उसमें, उससे अगर आपको बचना है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं। ठीक है। लड़की एकदम बहुत ही ज़्यादा फोर्थकमिंग होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई कॉन्वर्जेशन हुई है कि नहीं हुई है, उसने आपको जाना है कि नहीं जाना, इमीडिएटली आपको बोलेगी कि मिलते हैं, चिल आउट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना धमकाना, ओके, विदाउट इवन नो, हाँ, रेड फ्लैग है, विदाउट नोइंग यू, विदाउट हैविंग एनी कॉन्वर्जेशन एट ऑल, विदाउट फाइंडिंग आउट एनी फ्रीक्वेंसी, शी वुड propose that you go into a hotel and have a sexual relationship, वो भी एक red flag है। उसके अलावा red flag है कि अगर आपको लड़की बोलती है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, लाइक किसी स्पेसिफिक होटल पे जाना है या किसी एक स्पेसिफिक कैफ़े में जाना है, वो भी एक red flag है। उसके अलावा अगर बहुत ही स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपसे डिमांड करने लग जाती है, यू हैव हार्डली गॉटन टू नो ईच अदर, लेकिन उसको पैसे भी चाहिए आपसे, उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी चाहिए आपसे, और बेसिकली आपको फिनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। देन ऑब्वियसली बात है, अगर थोड़ी बहुत डेटिंग में आप एक आगे चले गए हो और उसके बावजूद भी शी इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हर अदर बॉयफ्रेंड्स या पास्ट की रिलेशनशिप्स के बारे में, या ये तो वैसा था, वो तो वैसा था, दैट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग। किसी ना किसी दिन आपको वो लूजर बोल के छोड़ के चली जाएगी। बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स मतलब बहुत ही नेसेंट स्टेज में होते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मतलब दोनों को अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे के साथ रहना एंड ऑल ऑफ दैट, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है और आपको लगता है कि इंसान बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली बोलूंगी कि अगर कोई, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर गाइज, आई वुड से दिस इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड गाइज, अगर इंसान कम्प्लीटली एलिनेटेड है आपकी फैमिली से इन्वॉल्व होने में, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं चाहता है, ना ही आपके फ्रेंड से मिलना चाहता है, ना ही आपकी फैमिली से मिलना चाहता है या चाहती है, इफ़ यू आर डेटिंग समबडी एंड दैट गर्ल doesn't want to meet your sister, brother, friends, किसी भी relative या जो आपका एक बहुत एक close group है, किसी से भी interact नहीं करना चाहती है, I personally feel that's a big red flag. बहुत सारे लोग introvert होते हैं, लेकिन जितना भी introvert कोई हो, हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त तो होता ही है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये इंसान इतना ज़्यादा सीक्रेटिव क्यों है, या कोई भी इसका फ्रेंड नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो भी एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी इंट्रोवर्ट ना हो, फ्रेंड्स सबके होते हैं, और आई थिंक अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो यू ऑलवेज वॉन्ट कि आपके जो अपने प्यारे से लोग हैं वो उससे मिले, राइट? तो अगर वो इंक्लिनेशन नहीं है उस इंसान में, तो मुझे लगता है वो भी रेड फ्लैग है। तो ये तो डेटिंग ऐप्स के हो गए। मैरिटल रिलेशनशिप्स में अगर मैं रेड फ्लैग्स बोलूँ, खासकर आदमियों को जो देखने चाहिए, वो मुझे लगता है सबसे पहले तो डेफिनेटली वही है कि शी डजंट गिव एनी रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, शी डजंट वॉन्ट टू हैव एनी बॉन्ड विद योर पेरेंट्स, वो आपकी फैमिली से उस तरह से कनेक्ट या रिलेट करती ही नहीं है जिस तरह से आपको अच्छा लगेगा। डोमिनेट करती है बहुत ज़्यादा, आप जो चीज़ें बोलते हो उसके ऊपर अपनी चीज़ हमेशा रखती है, दैट्स अ रेड फ्लैग। अगर आपको उनके घर में ऐसा है और यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर टाइम एक कंपैरिजन चलता रहे, दैट इज़ आल्सो अ रेड फ्लैग। अगर कोई आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर धमकी देने लगे कि तुम्हारे को पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग, क्योंकि दैट मीन्स कि कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में आपके ऊपर कुछ ना कुछ झूठा केस डेफिनेटली बन ही जाएगा। बहुत सारे मैरिटल रिलेशनशिप्स में जब लड़कियाँ वो नहीं उनको मिलता है जो वो चाहती हैं, एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज यू नो जस्ट अ डिमांड ऑफ अ गिफ्ट, और उसके बाद जो थ्रेट्स मिलने लगते हैं, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। एक ऐसा केस था आई रिमेंबर जहाँ पे अ लेडी कमिटेड सुसाइड बिकॉज शी वॉज नॉट गिवन द गिफ्ट दैट शी डिमांडेड ऑन करवा चौथ। तो अगर कभी भी आपको एक मैरिटल रिलेशनशिप में या फिर आप किसी के साथ एंगेज हो गए हैं, अगर सुसाइड का कोई भी थ्रेट देता है, तो दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। आपके पेरेंट्स से कोई बदला लेने का या फिर इस तरह का कोई थ्रेट देता है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग।
आपको ऑलवेज एज अ लूजर फील कराता है जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग टू. आजकल के टाइम पे ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे लड़की खुद उतना ही कमाती है जितना लड़का कमाता है, लेकिन सारी की सारी फिनेंशियल एक्सपेक्टेशंस जो हैं हर चीज़ की जो है वो लड़के से की जाती है. मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग इन अ रिलेशनशिप, तो आई वुड कॉल दैट एज अ रेड फ्लैग एज वेल. ओके, आई वांट आस्क यू अबाउट अ मैन एंड्रू टेट. एंड व्हाई आई वांट आस्क यू, बिकॉज एकदम से एक टाइम आया था बीच में, ये बहुत फेमस हो गए थे एंड बहुत पोलराइज इनकी फॉलोइंग थी. कुछ लोग थे डाई हार्ट फैन सपोर्टर्स, क्योंकि उनको लगता था कि मेन के इमोशंस और मेन के ऊपर जो जैसे मेन को विक्टिमाइज किया जा रहा है हर चीज़ पे, उन पर कोई खड़ा नहीं होता, मेन राइट्स के लिए कोई भी खड़ा नहीं है. एंड्रू टेट खड़ा हो रहा है और एंड्रू टेट इज कॉलिंग आउट ऑल द रॉन्ग थिंग एंड कॉलिंग आउट वुमेन विच आर डूइंग रॉन्ग फॉर मैन, राइट, रॉन्ग टू मैन, वो एंड्रू टेट. तो इसलिए उनकी फॉलोइंग बढ़ गई और एट द सेम टाइम उनके बहुत एंटी थे, क्योंकि उनके कुछ जो कॉमेंट्स थे वो इतने डेरोगेटरी थे दैट इट्स सुपर अनोइंग टू इवन थिंक कि भाई ऐसे आज के टाइम पे इतना जो वेल प्रोग्रेस सोसाइटी उसमें ऐसे इंसान को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है. तो ऐसे बड़ा पोलराइज था उनका पूरा, राइट. देन व्हाट हैपेंड विद द पुलिस केस एंड एवरीथिंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग व्हाट गोज ऑन. आई एम जस्ट आस्किंग कि जो जिसके से वो वायरल हुआ था हर जगह, राइट. तो एंड्रू टेट पे व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट ही वाज ही राइट गाय रॉन्ग गाय, लाइक व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट डू यू फील. मुझे लगता है एंड्रू टेट का जो डिस्पोजिशन है, जो वो बातें करते हैं, इट इज़ ग्रेट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे वो आदमियों को अपने आप को फोकस में लाने के लिए या अपने आप को प्रायोरिटी बनाने के ऊपर ज़्यादा काम करें. यू नो इट्स ग्रेट, ही इज़ इनकरेजिंग मैन टू फोकस ऑन देमसेल्व्स, इनकरेजिंग मैन टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स. वो ये भी बोल रहे हैं आदमियों को कि औरतों के पीछे भागना भैया बंद करो, विच इज़ एब्सोल्यूटली राइट, कुछ रॉन्ग नहीं है उसमें. लेकिन मुझे एंड्रू टेट से एक ये प्रॉब्लम है कि जो वो बातें करते हैं, मुझे लगता है कि वो इनहेरेंटली औरतों को अपने आप से इन्फीरियर मानते हैं. उनकी बहुत सारी बातें हैं जो वो एक वर्ड है ना, ऑब्जेक्टिफिकेशन. मुझे लगता है उनकी बहुत सारी बातों में एक बहुत ही डेरोगेटरी ऑब्जेक्टिफिकेशन है औरतों की, जिससे मुझे प्रॉब्लम है. और एक और चीज़ वो ये है कि फेमिनिज्म ने जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, विच इज़ यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ वॉर बिटवीन मैन एंड वुमेन, उन्होंने औरतों को मोटिवेट किया आदमियों के अगेंस्ट जाने के लिए. अगर कोई आज के टाइम पे अब आदमियों को मोटिवेट करता है औरतों के अगेंस्ट जाने के लिए, तो यू आर बेसिकली द फ्लिप साइड ऑफ द सेम कॉइन, राइट. यू आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प द सिचुएशन, यू आर ट्राइंग नॉट ट्राइंग टू एड्रेस द सिचुएशन. आप बेसिकली ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हो गए हो एक दूसरे के लिए फाइट करने के लिए. यू हैव बिकम वॉट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट. तो बहुत सारे लोग इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेंस राइट्स में मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको है, बिकॉज उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हूँ, विच इज़ नॉट ओके. उन्हें लगता है कि भैया अगर फेमिनिज्म इतना रेडिकल था तो हम लोग को आदमियों के लिए भी एक बहुत ही रेडिकल स्टैंस में बात करना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता वो सही है. अगर आप ये कहते हो कि सिर्फ आदमियों की प्रॉब्लम है, औरतों के साथ कुछ गलत नहीं होता, भैया आप या तो अंधे हो और या फिर आपका दिमाग ख़राब हो चुका है. अगर आपको ये लगता है कि औरतों के साथ ही गलत होता है, आदमियों के साथ कुछ गलत नहीं होता, जो बहुत सारी सूडो फेमिनिस्ट सोचती हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से या तो दिमाग उनका ख़राब है या फिर वो अंधे हैं. तो आई एम समबडी हु वुड ऑलवेज वॉन्ट की एक बैलेंस और पीसफुल डिस्कोर्स हो. थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.